فتوے لگانے میں بڑے شیخ ہیں، یہ حدیثیں مجلدے سننے ابھی دعوت کی گئے، اس کی شرح علماء اگر پڑھیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ راوی بیان میں میاں صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ بھی کار تجدید ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کرسی ہونا شرط نہیں۔ لکھا آئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں،
लेकिन मैं कहूंगा लोग कहेंगे मियां साहब ने मुजद्दद बना दिया, हजार एक रात को फतवा देंगे। मैं कह ही रहा ये आत्मा शारीरिक और जिसम ने शारीरिक और के ने देखा है बकायदा। और हां आप जिस दौर में हम जी रहे हैं यहां तो मसला एक बंदा कर नहीं सकता कुछ, ये तो आप कलेक्टिव एफर्ट है, उसी से काम होना है। कोई सिर्फ और नाल में काम करेगा, कोई मंदिर में, कोई फलसफे में, कोई तफसीर में, कोई हदीस में, और कोई तसव्वुफ और तरीकत में। ये बात है जो बात जो सुहाग है जैसे मुहक्किक ने लिखा वो भी कार्य तकदीर में शामिल है। अगर किसी को ना समझ आए उसमें हमारा क्या कुछ होना है। तो मैं जो बात कर रहा हूं ये भी तजदीदी काम है जो मैं अस्कर हूं। अगर हमें समझ आ जाए लाखों महफिलें हो रही हैं समझ नहीं है। तो अलामा इब्ने लोजी फरमाते हैं कि उलमा ने मिलाद की महफिल की एक बरकत ने लिखी है। आप सोचें जरा कि अगर गैर मुस्लिम इस महफिल में बैठ जाए या इसी रेंज में आ जाए तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता होगा। मैं पूछता हूं जिस महफिल से काफिर को ईमान मिले तो ईमान वालों ये बताओ ईमान वाले को क्या क्या मिलता होगा। और आपने वाक्य लिखा है अलामा इब्ने लोजी ने बगदाद से लिखता है वाक्य लिखा कहते घर में महफिल होती थी मिलाद पाक की तो जाहिर है वो अहले सुन्नत ही होंगे ना, और उस वक्त होते ही अहले सुन्नत थे, दूसरे तो थे दूसरे फिरते पाकर कीदा फिरते